गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रिया, योर साइंस टीचर. आई होप यू हैव थॉरली लर्न योर चैप्टर नंबर 1, 2, 3. इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, विच इज़ हीट. हीट, एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट. फ्लो ऑफ हीट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस. इट डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल इंडक्शन और एनी एक्सटर्नल फैक्टर टू स्टार्ट. ओके, डिस्पाइट ऑफ दिस, हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर द फ्लो ऑफ हीट देर इज़ वन स्पेशल कंडीशन, दैट देयर शुड बी अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज. सो बिकॉज अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि दो चेम्बर्स लें, हम एक को गैस से फिल कर दें और एक को खाली छोड़ दें और उन्हें एक रॉड से कनेक्ट कर दें, तो जो गैस है वो दूसरे चेम्बर में ट्रैवल करना, दूसरे चेम्बर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी. क्यों? ड्यू टू द डिफरेंस, या फिर ड्यू टू द कंसेंट्रेशन डिफरेंस. सो फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी वी नीड अ टेम्परेचर डिफरेंस. इफ़ वी लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ द लोअर टेम्परेचर, और इट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ अ बॉडी टू द कूलर एंड. एज यू सी इन द डायग्राम, कि अगर हम एक मेटेलिक रॉड लें, उसे एक साइड से हीट करना स्टार्ट करें हम, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो वो हीट है वो दूसरे एंड पे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी. बिकॉज होता क्या है, जब हम एक एंड पे हीट देते हैं तो वो पार्टिकल्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं रैंडमली, और वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल से जब टकराते हैं तो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं. इस तरीके से जो हीट है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ ट्रैवल करती है. नेक्स्ट, यू नो दैट इन आर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. फॉर एग्जाम्पल, टी इज़ एन हॉट ऑब्जेक्ट एंड आइस इज कोल्ड. बट वी कैनॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आर सेंस ऑफ टच. सिर्फ सेंस ऑफ टच के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है. द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय अ पर्टिकुलर मेजरमेंट, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर. बिकॉज यू नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन दी अदर्स एंड सम आर कोल्डर देन दी अदर्स, सो वी यूज़ अ पर्टिकुलर मेजरमेंट टू डिस्क्राइब दिस. बिसाइड दिस, आप सबको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी स्टेबल बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसका मोशन इंक्रीज होता है और वो सब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, इसके रिवर्स में अगर हम देखें, अगर हम उससे हीट रिमूव करते हैं तो क्या होता है, जो मोशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड द बॉडी इट डिक्रीजेज. नेक्स्ट, वी टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ द, यू नो, टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस ऑफ द कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, ये हम डिसाइड करते हैं उसके टेम्परेचर से. द टेम्परेचर ऑफ समथिंग, इट टेल्स अस दैट हाउ द हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. नेक्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर. टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर. ठीक है, टेम्परेचर इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज. वी मेजर द टेम्परेचर इन टू स्केल्स, दैट इज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फेरेनहाइट. सो थर्मोमीटर इज़ एन बेसिक इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू मेजर द टेम्परेचर. अब क्या होता है, हम अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो थर्मोमीटर हम अपनी बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वही थर्मोमीटर हम लैब्स में भी यूज़ करें, क्योंकि देर इज़ अ डिफरेंस. तो हम अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग टाइप के टेम्परेचर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, लैब्स में हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. सो लेट्स टेक इट वन बाय वन. फर्स्टली, क्लिनिकल थर्मोमीटर. दिस इज़ द थर्मोमीटर दैट वी मेजर्स द टेम्परेचर, दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लिनिकल थर्मोमीटर, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड. उसके बाद एक कंस्ट्रिक्शन है जिसे हम किंक कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़, इट इज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब. इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, एक साइड में बल्ब होता है विच कंटेन्स द मर्करी. इट हैज़ द सेल्सियस स्केल विच इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. बिकॉज ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ना तो 35 डिग्री सेल्सियस से कम जाता है और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाता है. क्लिनिकल थर्मोमीटर की एक स्पेशलिटी होती है दैट इट हैज़ अ स्मॉल किंक नियर द बल्ब. एज यू कैन सी, अ स्मॉल कंस्ट्रिक्शन नियर द बल्ब विच प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन. क्योंकि हम जब क्लिनिकल थर्मोमीटर, अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम अपना बॉडी टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो हम अपनी बॉडी के बाहर निकाल के टेम्परेचर देखते हैं. सो इतने टाइम में ताकि उसका टेम्परेचर
ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए ये किंक क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन. एज यू नो दैट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है. सबसे पहले वॉश द थर्मोमीटर, सैनिटाइज इट और वॉश इट विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. होल्ड इट फर्मली, उसे ध्यान से पकड़े, बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव, इट कैन ब्रेक ईजिली. गिव इट अ फ्यू जर्क्स, उसे झटका दें, टू ब्रिंग द लेवल ऑफ द मर्करी बिलो द 35 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद क्या है, जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो अपनी टंग के नीचे रखें. एक मिनट के बाद जब आप थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे, यू कैन नोट द रीडिंग ऑफ दैट थर्मोमीटर. जो रीडिंग उस थर्मोमीटर में आएगी, दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. द लेबोरेटरी थर्मोमीटर वी यूज इन लैब्स, इट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स एंड गैस. लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. It has a bulb at one end containing the mercury. It has a scale of degree Celsius. The range of the laboratory thermometer is generally from minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Next is how to use laboratory thermometer. Take some tap water in a beaker, ठीक है. फिर उसके बाद thermometer को उस water के अंदर dip करें. Make sure that the bulb of the thermometer does not touch the bottom or the sides of the beaker. उस thermometer को vertically पकड़ के रखें. The mercury level rises. जब mercury का level stable हो जाएगा, उसके बाद note the level of the mercury. This will be the temperature of the water. नेक्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हीट फ्लोज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हॉटर टेम्परेचर टू द कोल्डर टेम्परेचर और फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड. अ ट्रांसफर ऑफ हीट इट अकर्स इन थ्री डिफरेंट वेज. फॉर एग्जाम्पल कंडक्शन, कंडक्शन अकर्स इन सॉलिड्स. कन्वेक्शन इट अकर्स इन फ्लूइड्स, दैट इज लिक्विड्स एंड गैसेज. एंड रेडिएशन इट इज़ द फ्लो ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम. सो लेट्स टेक देम वन बाय वन. सबसे पहले आता है कंडक्शन. कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन सॉलिड्स. बेसिकली सॉलिड्स में ये होता है फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड. इसके साथ हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि अगर हम कोई भी एक मेटेलिक रॉड ले, एनी आयरन रॉड और एल्यूमिनियम रॉड और अ स्ट्रिप, उसे एक स्टैंड के साथ हम फिक्स कर दें और कुछ वैक्स पीसेस इक्वल डिस्टेंसेस पे उस रॉड के ऊपर लगा दें. उसके बाद क्या होगा, व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग द रॉड फ्रॉम द वन एंड, द वैक्स पीसेज दे बिगिंस टू मेल्ट एंड फॉल डाउन फ्रॉम द हीटेड एंड. इससे क्या दिखा रहा है कि जब हम एक एंड से उसे हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे क्या है, वो जो वैक्स पीसेज है वो मेल्ट होके नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे. दिस प्रूव्स दैट द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ द मेटेलिक रॉड टू द कोल्डर एंड. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. नेक्स्ट कि कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिनमें हीट ट्रांसफ़र होती है, कुछ में नहीं होती. तो इस बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को टू कैटेगराइज करते हैं, एज द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है और इंसुलेटर्स में नहीं होती. सिंपल अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें, कंडक्टर्स आर द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, एनी मेटेलिक रॉड. And insulators, they are the materials which do not allow the heat to pass through them easily. For example, wood. Wood को अगर हम heat देंगे या burn करेंगे उसे, तो वो क्या है, जल जाएगा. Plastic को अगर हम heat देंगे तो वो melt होने लगेगा, ठीक है. Glass, rubber, air, water, these all are insulators. Next is the convection. Convection is the process by which the heat is transferred, as you know, always from the hotter part to the colder part. But it is the heat transfer in liquids and gases. फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम लिक्विड का अगर एग्जाम्पल ले, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर. इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करें कि हम थोड़ा सा वाटर ले एक राउंड बॉटम फ्लास्क में, उसे एक ट्राईपोड स्टैंड पे रखें, ठीक है. एक ट्राईपोड स्टैंड लेते हैं हम, उसके ऊपर फ्लास्क रखें फुल ऑफ वाटर. उसमें हम कुछ पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स डाल दें. उसके बाद उसे हम हीट करना स्टार्ट करें अगर, तो होगा क्या, दो वाटर होगा जो बॉटम पे, इट स्टार्ट्स बिकमिंग हॉट एंड इट राइजेज अप, ठीक है. वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा. इससे क्या होगा, जो कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप, इट मूव्स डाउन. दिस साइकिल कंटिन्यूज टिल ऑल द वाटर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क गेट्स हीटेड. दिस शोज दैट द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द कन्वेक्शन. दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन. जैसे कि आप सेकेंड डायग्राम में देख रहे हो,
hot water it rises, cool water is moves down. So this process continues till all the water gets heated. Next we take convection in air. We know that the air near any heat source get heated and rise up due to the convection. The hair from the sides move in to take its place in this with the hair gets heated. अगर इसका हम एक example लें कि हम एक flame के ऊपर अपना हाथ रखें और एक हाथ रखें flame की side में, तो इससे क्या होगा, the hand which is at the top of the flame feels hot because the air above the flame gets heated by the convection, as in the liquid जो water का हमने activity की थी, ठीक है. In contrast, the hand which is at the side, it does not feel as hot because there is no convection. ठीक है, there is radiation. Next is the, as you all know, the people living in the coastal areas, they experience a very interesting phenomena during day and during night. इसे हम कहते हैं sea breeze and land breeze. What is sea breeze? दिन में क्या होता है, during the day, the land and sea, you know, the land gets heated faster than the sea because the land receives the ultraviolet rays of the sun, so it gets heated because of this. Uske upar, so the air above the land, theek hai, jo air hoti hai land ke upar, it gets heated and it starts to rise up. Tumhe pata hai jo warm air hoti hai wo halki hoti hai, it is lighter in weight, so wo kya karegi, rise up hona start kar degi. Iski wajah se kya hoga, jo cool air hogi above the sea, it starts moving towards the land. ठीक है, this process is known as sea breeze. इसके reverse में, अगर इसका reverse देखें हम night में, during the night, the sea cools down slowly than the land. So what happens? The hot air above the sea, it is lighter in weight, it starts to rise up, whereas the cool air from the land, cool air जो क्या आती, it is heavy in weight, so from the land it starts move towards the sea. This is known as land breeze. As you can see in the diagram, the red arrow indicates the warm air and the blue arrow it indicates the cool air. You can see this is the sea breeze. Sea breeze mein kya hota hai, land mein kya hoti hai, warm air it starts rising and starts moving towards the sea, whereas the cool air it starts descending, it's descending towards the land. So the air moves from the sea during the day. This is the land breeze. The hot air from the sea, it rise up and move towards the land, whereas the cool air from the land, it starts moving towards the sea. So the air moves from the land at night. This is land breeze. The next is radiation. Radiation is the only process of heat transfer in which the heat is transferred from one place to another without the help of any medium. Iska example is the heat which we get from the sun. It reaches the earth by radiation because sun aur earth ke beech mein there is no medium. Iska ek example le, in summers, during summers when we step out of our house, so our skin feels very warm. ठीक है, हमारी स्किन क्या है, गर्म होना स्टार्ट कर देती है. क्यों? क्योंकि जैसे हमारे स्किन के ऊपर सन की रेज पड़ती हैं, तो क्या होता है, हमारे स्किन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे स्टार्ट्स मूविंग फास्टर. ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल है, व्हेन वी सिट नियर अ फायर वी फील वार्म ड्यू टू द हीट रेडिएटेड बाय द फायर. दिस प्रूव्स दैट ऑल हॉट बॉडीज, जितनी भी हॉट बॉडीज है, दे रेडिएट हीट. इसके अलावा दो एक्टिविटीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, द डार्क कलर्ड सर्फेसिज, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डार्क कलर्ड सर्फेसिज एंड द लाइट कलर्ड सर्फेसिज. द डार्क कलर्ड सर्फेसिज दे एब्जॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर्ड सर्फेसिज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक एन एक्टिविटी, दो हम टिन कैंस लें, ठीक है, एक को ब्लैक कलर से पेंट कर दें और एक को वाइट कलर से, एंड वी पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम. ठीक है, उसके बाद हम उन्हें थोड़ी देर के लिए सनलाइट में छोड़ दें. देन आफ्टर वन आवर, अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर वन आवर, वेन यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर इन बोथ द कैंस, यू ऑब्जर्व दैट द वॉटर इन द ब्लैक कैन इज वार्मर देन द वॉटर इन द वाइट कैन. ठीक है, दिस प्रूव्स वॉट, दिस प्रूव्स दैट द जो डार्क कलर्ड सर्फेसिज है दे एब्जॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर्ड सर्फेसिज. इन कॉन्ट्रास्ट द डार्क कलर्ड सर्फेसिज दे रेडिएट मोर हीट देन द लाइट कलर्ड सर्फेसिज. टू प्रूव दिस वी टेक एन अनदर एक्टिविटी, कि हम वही दोबारा से दो टिन कैंस ले, एक को ब्लैक कलर से पेंट कर दे, एक तो वाइट कलर से. इस बार वी पोर द इक्वल अमाउंट्स ऑफ हॉट वाटर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री सेल्सियस ऑफ द सेम टेम्परेचर ऑन बोथ द कैंस. लीव देम इन अ रूम
और शेड या फिर किसी कूल एरिया में हम उन्हें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स व्हेन वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, द वाटर इन द ब्लैक कैन इज कूलर देन द वाटर इन द वाइट कैन. दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट द डार्क कलर्ड सर्फेसिज रेडिएट मोर हीट देन द लाइट कलर्ड सर्फेसिज. यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम. Next is the kind of clothes we wear in summer and winter. You all know that we wear woolen clothes and we wear dark colored clothes during winter. What is the reason behind this? The reason behind this is that the dark colored clothes, they absorb more heat than the light colored surfaces. So we used to prefer the wear, we used to wear the dark colored clothes during winter. Whereas in contrast, we wear light colored clothes in summer because the light colored clothes, they reflect most of the heat and keeps us cool. Radiation process में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी बॉडी पे हीट किसी बॉडी को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो सम ऑफ इट्स पार्ट गेट रिफ्लेक्ट्स, सम ऑफ इट पार्ट्स गेट एब्जॉर्ब एंड सम ऑफ इट पार्ट्स गेट ट्रांसमिटेड टू द अनदर पार्टिकल. सो तो उस बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है इज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड हीट. So this is the phenomena which proves that why we used to prefer the light colored clothes in summer and dark colored clothes in winter. This is by this diagram you can see the difference between the conduction, convection and radiation. I hope you'll understand now what is conduction. It is the heat transfer in the solid objects. Convection, it is the heat transfer in the fluids, on the fluids. Okay, and radiation, it is the heat transfer without any medium. Read this chapter thoroughly and do your exercise. Thank you.